अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल करीम टीवी में खुश आमदीद। डियर व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के पास लेटेस्ट न्यू अपडेट्स लेकर आया हूँ सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। ख़ास तौर पर जो रिटायर मुलाजमीन हैं, जो पेंशनर हजरात हैं, उनकी पेंशन के हवाले से एक लेटेस्ट न्यू अपडेट्स आई है। ख़ास तौर पर सुबह पंजाब के मुलाजमीन के हवाले से कि उनकी पेंशन में कितना इजाफा 2022-23 के हवाले से, तो जिसकी कंप्लीट डिटेल और इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को आगाह करूंगा। डिटेल और इन्फॉर्मेशन से आगाह करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस चैनल पर तो यहाँ पे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। इस मरतबा पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि सरकारी मुलाजमीन को, ख़ास तौर पर जो रिटायर मुलाजमीन हैं, उनकी पेंशन में ज़्यादा इजाफा करने के हवाले से, मतलब यह कि पेंशनर को रिलीफ देने के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह से। इस मरतबा पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जितना भी पेंशनर हजरात हैं उनकी पेंशन में 20 से लेकर 30% इजाफा करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि जो हाजिर सर्विस मुलाजमी है उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफा करेगी और साथ 2.5 को बेजम करने के बाद उसके बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। इसी तरह से जो पेंशनर हजरात हैं उनको, क्योंकि आधार का किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिलता, तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है जो पेंशनर हजरात हैं उनकी पेंशन में 20 से लेकर 30% इजाफा करेगी। तो इस हवाले से एक नई अपडेट सामने आई थी, जिसकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन से मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।